एक समय की बात है, एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। उनके घर में सेठ और उनकी पत्नी रहते थे। दोनों में बहुत ही प्रेम था। उनके जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं था, बस उन्हें कोई संतान न थी। सेठ जी ने ज्योतिषियों को दिखाया। ज्योतिषियों ने बताया कि सेठानी को पुत्र प्राप्ति का योग नहीं है। सेठानी संतान की बहुत ही इच्छुक थी। सेठानी ने सेठ का दूसरा विवाह करने का आग्रह किया। पहले तो सेठ जी नहीं माने, लेकिन सेठानी के बार बार आग्रह करने पर सेठ जी का विवाह सेठानी के छोटी बहन से करवा दिया गया। सेठानी की छोटी बहन बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह गणेश भगवान का नित्य नियम किया करती थी। प्रतिदिन गणेश भगवान की कहानी कहती थी। गणेश भगवान की कृपा से थोड़े ही दिन बाद सेठ के यहां एक सुंदर सा स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म से सेठ और उनकी दोनों पत्नियां बहुत खुश हुईं। सबके दिन बड़े ही आराम से बीत रहे थे। लेकिन कुछ दिनों बाद बड़ी सेठानी के मन में कुविचार ने जन्म ले लिया। वह सोचने लगी, मेरा तो इस घर में कुछ भी नहीं है, सब कुछ छोटी का है। मेरे पति पर भी अधिकार जमा लिया है, संतान भी उसी का है। यह कुविचार उसके मन ही मार उसे खाने लगा। इधर छोटी का बालक धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। अब तो बड़ी सेठानी के मन का विचार एक विशाल वृक्ष का रूप ले लिया था। अंततः एक दिन उसने छोटी के पुत्र को रात को सोते समय मार डाला। उसके शव उसने घर के पास वाले तालाब में फेंक दिया, जिसमें छोटे प्रतिदिन नित्य नियम का फूल फेंका करती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता लग गया। पूरे घर में कोहराम मच गया। सेठ सिर पीट पीट कर रोने लगा, लेकिन छोटी सेठानी प्रतिदिन की तरह गणेश भगवान का नित्य नियम की आराधना में लीन रही, जैसे कि उसे कुछ पता ही ना हो। कथा कहानी समाप्त करने के बाद वह फूलों को समेट कर तालाब में छोड़ने के लिए गई। जब वह तालाब से लौटने लगी, उसी समय उसका पुत्र तालाब के भीतर से निकलकर आता हुआ दिखाई पड़ा, जैसे कि कहीं आसपास से ही घूमकर आ रहा हो। उसी समय गणेश भगवान प्रकट होकर छोटी सेठानी से वर मांगने को कहने लगे और बड़ी सेठानी के करतूतों से उसके शरीर में कीड़ों का वास कर दिया, जिससे बड़ी सेठानी को असहनीय कष्ट होने लगा। उसके शरीर में कीड़े पड़ गए। छोटी सेठानी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभो यदि आप उसे पसंद है तो मेरी इस अभाग्न बहन को क्षमा कर दीजिए, इसके शरीर को कष्ट मुक्त कर दीजिए। उसने बहुत बड़ा पाप किया है, किंतु आपकी दया से मेरा पुत्र मुझे वापस मिल गया। अब आप उसे कष्टों से मुक्त करें। तब गणेश भगवान ने बड़ी सेठानी को कष्ट मुक्त कर दिया और अंतर्ध्यान हो गए। छोटी सेठानी जब घर आई तो बड़ी ने उसके पैर पकड़ लिए और क्षमा याचना करने लगी। छोटी ने उसे क्षमा कर दिया। अब सब मिलकर गणेश भगवान का नित्य नियम करने लगे, जिससे उनके घर में अन्न धन का भंडार भर गया। उनके शारीरिक कष्ट समाप्त हो गए थे। विघ्नों को हरने वाले गणेश भगवान अपने सभी भक्तों के कष्टों को सदा हरते रहना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो माने रखना। के लिए गणेश भगवान की जय हो।